हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट करो पे। तो फिर से हाजिर हुई हूँ मैं न्यू लोकेशन के साथ। जो लोकेशन रहने वाली है सन इनक्लेव 125 सेक्टर की रहने वाली है। आज मैं आपको लेके आई हूँ 5BHK की विला की तरफ, जो आपका डुप्लेक्स विला रहने वाला है। एलिवेशन देख लीजिए, कुछ इस तरह का एलिवेशन रहेगा आपका, काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में। और यहाँ पे बाहर स्पेस आ जाता है आपका, एक गाड़ी आप बाहर आराम से पार्क कर सकते हो। तो अब चलते हैं घर के अंदर। ये रहेगी जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको गेट दिया जाएगा। फिलहाल हम साइड से अंदर की तरफ आते हैं और आपको स्लाइडिंग गेट दिया जा रहा है, गाड़ी आराम से आपके अंदर आ जाएगी। तो ये रहेगा, आप एक गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हो, आपके पास दो तीन गाड़ियां हैं तो यहाँ पे भी स्पेस दिया जा रहा है आपको। यहाँ पे गाड़ी भी पार्क कर सकते हो और एक्टिवा भी पार्क कर सकते हो। ये रहेगा आपका मिनी गार्डन, आप आराम से यहाँ प्लांट्स लगा सकते हो। देखिए कुछ इस तरह का आपका मिनी गार्डन रहने वाला है। आपको जो है इस घर में आपको कैमरा की फैसिलिटी दी जा रही है, यहाँ पे चेक कर लीजिए। ये आपका कैमरा रहेगा कि सेफ्टी पर्पज से काफी अच्छी बात है ये। और ये रहेगी आपकी वॉल डिजाइन, वुडन के टच के साथ दिया जा रहा है और लाइट्स के साथ दिया जा रहा है, तो काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये आपकी डाउन सीलिंग आ जाती है विद कंसील लाइट के साथ। तो आइए, ये रहेगा आपका डोर, काफी ब्यूटीफुल डोर है। और यहाँ पे देखिए, ये महाराजा के टाइम में कुछ इस तरह का डोर होता था, तो काफी सुंदर लग रहा है देखने में। तो आइए घर के अंदर एंटर करते ही आपको यहाँ पे पूजा घर आ जाता है। ये आपका पूजा घर आएगा, काफी डिजाइन किया गया है। इसके डाउन सीलिंग देख लीजिए, काफी खूबसूरत लग रही है देखने में। तो ये पूजा घर आ जाता है। अब चलते हैं हम ड्राइंग एरिया की तरफ। ये रहेगा आपका ड्राइंग एरिया, काफी खुला डुल्ला स्पेशियस रहने वाला है। ये कुछ इस तरह का डिजाइन आ जाता है आपका वॉल का डिजाइन, काफी बड़ी आपको यहाँ पे विंडो दी जा रही है वेंटिलेशन के लिए। मतलब दिन के टाइम में लाइट ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी नेचुरल धूप घर के अंदर आती रहेगी। ये डाउन सीलिंग विद कंसील लाइट के साथ दी जा रही है। और ये यहाँ पे कुछ इस तरह का पार्टीशन के लिए डिजाइन किया कि कुछ भी सामान आप आराम से रख सकते हो। तो अब चलते हैं फैमिली लाउंज एरिया की तरफ। ये रहने वाला है आपका फैमिली लाउंज एरिया। यहाँ पे आप 7-8 सीटर आराम से लगा सकते हो, इतना ज्यादा आपको स्पेस दिया जा रहा है। और LED पैनल का स्पेस देखिए, कितना बड़ा LED पैनल का स्पेस दिया जा रहा है, तो आप आराम से अपनी LED लगा सकते हो। ये आपकी डाउन सीलिंग आएगी विद कंसील लाइट के साथ। ये आपका आएगा डाइनिंग एरिया, यहाँ पे 6 सीटर लग जाएगा। और यहाँ डिजाइन चेक कर लीजिए, कितना ब्यूटीफुल ये डिजाइन लग रहा है। और ये आपके कुछ इस तरह के कैबिनेट्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब चलते हैं मॉड्यूलर किचन की तरफ। मैं आपको कैमरे की बात कर रही थी, आपके घर में कोई भी बाहर खड़ा होगा तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि आपके घर में कौन एंटर कर रहा है। तो ये रहेगा आपका मॉड्यूलर किचन। पहले इसके टाइल्स देखिए, कितनी खूबसूरत टाइल्स है इसमें। ये आपकी होप और चिमनी रहने वाली है। और ये आपके कुछ इस तरह के कबर्ड कैबिनेट रहेंगे, ये आपके कैबिनेट्स रहेंगे। काफी ज्यादा सामान आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। दो आपको यहाँ पे सिंक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और वेंटिलेशन के लिए विंडो दी जा रही है। तो आप देखिए काफी स्पेस है कि 2-3 लोग यहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं। और ये यहाँ पे AC की फिटिंग आ जाती है, हर जगह आपको AC की फिटिंग दी जा रही है। तो कुछ इस तरह हमारा ये किचन रहने वाला है। तो अब चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये रहने वाला है आपका फर्स्ट बेडरूम। ये आपकी डाउन सीलिंग विद कंसील लाइट के साथ आ जाती है। ये LED पैनल का स्पेस आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे अलग से आपको ड्रॉर्स दिए जा रहे हैं कि सामान आप आराम से स्टोर कर सकते हो। और ये आएंगे आपके वॉल ड्रॉप, कुछ इस तरह के दिए स्लाइडिंग डोर के साथ दिए जा रहे हैं, आप सामान अपना आराम से रख सकते हो। अटैच इसमें आपको वॉशरूम दिया जा रहा है और इसके साथ आपको कमरे के अंदर आपको काफी बड़ा यहाँ पे मिरर दिया जा रहा है, इस तरह का मिरर रहेगा। ये आपका वॉशरूम रहेगा, वाओ, जो वॉशरूम की थीम है ये आपको दी जा रही है, ब्लैक सी थीम है, काफी खूबसूरत लग रही है देखने में। काफी बड़ा यहाँ पे मिरर दी जा रही है, सारी फिटिंग लगा के दी जा रही है आपको। इसमें आपकी जैकवार की सारी फिटिंग रहेगी, वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड की जा रही है। तो आइए, कुछ इस तरह का वॉशरूम रहेगा, साथ ही साथ आपका ये रहेगा आपका वॉशिंग एरिया। ये रहेगा आपका वॉशिंग एरिया कुछ इस तरह का, चेक कर लीजिए।
तो अब चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। और जो आपका पूरा ये विला रहने वाला है, ये 265 गज में रहने वाला है आपका विला। तो आइए, ये रहेगा आपका सेकंड बेडरूम। यहाँ पे देखिए स्पेस दिया जा रहा है। ये वॉल डिजाइन देख लीजिए, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। और इसमें ये लाइट काफी सुंदर लग रही है। ये डाउन सीलिंग आ जाती है विद कंसील लाइट के साथ। ये आपका एलईडी पैनल का स्पेस आ जाता है। यहाँ पे इतना स्पेस दिया जा रहा है कि मतलब स्टडी टेबल भी आप आराम से अलग से लगा सकते हो। ये वही वॉशिंग एरिया रहेगा जो आपको फर्स्ट बेडरूम से दिखाया था। तो आइए, ये रहेगा ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पे भी आपको काफी बड़ा मिरर दिया जा रहा है। हर रूम में आपको मिरर दिया जा रहा है तो बात ही कुछ अलग होती है। ये आपके इस तरह के कबर्ड्स रहेंगे, अलग से बॉक्सेस बना के दिए जा रहे हैं। ऐसे होता है लेडीज में ज्वेलरी होती है तो आराम से यहाँ पे रख सकते हो। अटैच आपका आ जाता है वॉशरूम। इसमें भी देखिए टाइल्स का टॉप तक अच्छे से प्रॉपर वर्क किया गया है। डाउन सीलिंग भी विद डिजाइन के साथ दी जा रही है। सारी इसमें फिटिंग लगा के दी जा रही है और जैकवार की इसमें फिटिंग रहने वाली है। तो ये था हमारा सेकंड बेडरूम। और अब चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, कॉमन वॉशरूम दिया जा रहा है जो कि बहुत ही ये रहेगा कि आपके घर में जब गेस्ट आते हैं तो थोड़ा प्राइवेसी मेंटेन हो जाती है। तो ये आपका रहेगा सेंसर लाइट के साथ दिया जा रहा है। तो ये आपका कॉमन वॉशरूम रहेगा। इसमें भी आपको सारी फिटिंग लगा के दी जा रही है। तो ये आपको जो है डाइनिंग ड्राइंग एरिया के साथ आपका अटैच वॉशरूम रहेगा। तो अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर की एंट्री अंदर से होने वाली तो बात ही कुछ अलग है। और मुझे तो काफी पसंद है कि जिस घर में एंट्री अंदर से हो। तो देखिए, ये चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ। सबसे पहले तो आप ये झूमर देखिए जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और मैं आपको लास्ट में कुछ चीज दिखाऊंगी जो मैंने आपको नहीं दिखाई है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। पहले आप झूमर देखिए, कितना खूबसूरत झूमर लग रहा है। जब आप एंटर करेंगे हम फर्स्ट फ्लोर पे तो आ जाते हैं फैमिली लाउंज एरिया की तरफ। ये रहेगा आपका फैमिली लाउंज एरिया। यहाँ पे एलईडी पैनल का स्पेस आ जाएगा। और यहाँ पे लाइट्स देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। इसके साथ यहाँ पे कुछ इस तरह का डिजाइन किया गया, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कितना प्रीटी लग रहा है देखने में। तो अब चलते हैं किचन की तरफ। ये रहेगा आपका किचन। कुछ इस तरह का किचन रहेगा। आपको काफी बड़ी विंडो दी जा रही है वेंटिलेशन के लिए। इसमें एक आपको सिंक प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये आपके कुछ इस तरह के कैबिनेट्स रहने वाले हैं। काफी ज्यादा स्पेस दिया जा रहा है, आराम से आप अपना सामान स्टोर कर सकते हो। तो अब चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। आइए मेरे साथ। ये रहेगा आपका थर्ड बेडरूम। कितना खुला डुला है। यहाँ पे बेड लगते हुए भी फिर भी स्पेस दिया जा रहा है। स्टडी टेबल लगा सकते हो आराम से, काफी ज्यादा सामान स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे आ जाता है कुछ इस तरह का स्पेस आपका। काफी बड़ी यहाँ पे आपको विंडो प्रोवाइड की जा रही है। और ये भी देखिए, यहाँ से आप नीचे वाले फ्लोर को देख सकते हो। वाह। तो इसके साथ ही आपका यहाँ पे आ जाता है आपका ड्रेसिंग एरिया और वॉशरूम। ये ड्रेसिंग एरिया हर जगह आपको मिरर प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये आपके कुछ इस तरह के कबर्ड्स रहेंगे। काफी स्पेशियस कबर्ड्स है। अटैच इसमें आपका वॉशरूम रहेगा। ये आपका वॉशरूम रहेगा। काफी खुला डुल्ला है। टाइल्स का अच्छे से वर्क किया गया है। डाउन सीलिंग दी जा रही है और पूरी फिटिंग लगा के दी जा रही है आपको विद मिरर के साथ। तो ये रहेगा आपका वॉशरूम। अब चलते हैं बालकनी की तरफ जो कि घर में बहुत जरूरी है। ये रहेगी आपकी बालकनी। रनिंग आपको इसमें बालकनी दी जा रही है। आप धूप का एंजॉय कर सकते हो, शाम के टाइम टी कॉफी एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए वुडन के टच के साथ आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। डिजाइन तो काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। जिस तरह की हमारी ये बालकनी रहने वाली है। और ये लाइट्स देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। मुझे तो लाइट्स काफी पसंद आ रही है। कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, घर की रौनक ही बढ़ा रही है। तो चलिए अब चलते हैं फोर्थ बेडरूम की तरफ। आइए, फोर्थ बेडरूम आपका यहाँ पीछे के लिए रहने वाला है। इस घर में स्पेस की तो कोई कमी रहने वाली नहीं है और डिजाइन की भी कोई कमी रहने वाली नहीं है। तो ये रहेगा आपका फोर्थ बेडरूम। इसमें आपके डाउन सीलिंग आ जाती है
और ये आ जाता है आपका वॉलपेपर विद डिजाइन के साथ, तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। और ये आपके आ जाते हैं कबर्ड्स स्लाइडिंग डोर के साथ दिए जा रहे हैं, स्पेस काफी ज्यादा दिया जा रहा है। रूम के अंदर ही आपको मिरर दिया जा रहा है, अटैच वॉशरूम रहेगा, ये आपका वॉशरूम रहेगा, ब्लैक थीम के साथ वॉशरूम दिया जा रहा है। इसमें भी आपको सारी फिटिंग लगा के दी जा रही है और ये आपकी काफी बड़ी यहाँ पे आपकी विंडो रहने वाली है। तो आइए अब चलते हैं हम दूसरी बालकनी की तरफ, या आप छोटा सा टेरिस भी कर सकते हैं। इसमें जो है आप या तो ऐसा है कि जैसे पार्टी वार्टी कर सकते हो, आपके घर में गेस्ट आए हो तो पार्टी वार्टी हो सकती है यहाँ पे, या प्लांट्स लगा सकते हो, किसी को होता है कि प्लांट्स का शौक होता है तो आप वो कर सकते हो। यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस दिया जा रहा है। और अब चलते हैं हम टॉप में जो हमारा 5 रूम रहेगा, तो बाहर से इसकी एंट्री रहेगी। तो चलिए चलते हैं और बाहर देखिए कितना ज्यादा यहाँ पे स्पेस है, कितना खुला डुल्ला दिया जा रहा है। वाओ, इतना ज्यादा स्पेस दिया जा रहा है, आप चेक कर लीजिए, मुझे तो मजा आ रहा है, धूप का एंजॉय कीजिए पहले। तो आइए चलते हैं लास्ट बेडरूम की तरफ। ये रहेगा आपका लास्ट बेडरूम, ये रहेगा आपका लास्ट बेडरूम, कुछ इस तरह का ये आपकी डाउन सीलिंग आ जाती है, वेंटिलेशन के लिए विंडो आ जाती है, अटैच इसमें आपका ये वॉशरूम रहता है। इसमें भी आपको सारी फिटिंग लगा के दी जा रही है। तो ये रहेगा आपका 5 जो लास्ट बेडरूम रहेगा। तो गाइज अभी खड़ी हूं मैं टेरिस पे, यहाँ पे जो आप यहाँ पे पार्टी कर सकते हैं अपने फैमिली वालों के साथ, दोस्तों के साथ, काफी स्पेस है इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ग्रीनरी एरिया बना सकते हो, किसी को प्लांट का काफी ज्यादा शौक है तो काफी अच्छे से इसको मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि इतना ज्यादा स्पेस है तो आप अच्छे से मेंटेन कर ही दोगे। तो मजेदार रह रहा है, मुझे तो काफी पसंद आया, मेरे रिव्यूज माने तो मुझे तो ये विला इतना पसंद आया है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जाने से पहले मैं फिर से कह रही हूँ, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई नई वीडियो देख सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी हो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और अपना विला अपने नाम कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।